नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेके आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों आईसीजी की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है 2023 का। ये बैच से देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आप लोग को नाविक जीडीएन नाविक डोमेस्टिक ब्रांच आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोग को इसमें सिलेबस क्या होने वाला है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में भी बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना दोस्तों। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीएन नाविक डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट 2023, ये 2023 का बैच है। तो अभी मैं आपको देखाऊंगा इसमें ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। मैंने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करा पिंग आउट फॉर्म का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अभी तक नहीं दिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जाके आप वीडियो देखने के बाद आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसलिए वीडियो देखना जरूरी है, अगर एक बार वीडियो अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए अच्छा से वीडियो देखने के बाद आप खुद ही मोबाइल फोन से आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 देख सकते हो, इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम के बात करेगा दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईसीजी। इसमें पोस्ट नेम मिलेगा दोस्तों नाविक जीडीएन नाविक डोमेस्टिक आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेगा तो 255 पोस्ट आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें प्रोसेस, अगर देखना चाहते हो तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। कैटेगरी की बात करके तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो सिंपल क्लास 10 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट की बात करेगा तो 18 ईयर से लेके 22 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट हिसाब से आप लोग को एज रिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। अगर एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप लोग को 3 ईयर्स एज रिलेक्शन 5 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा, अगर ओबीसी जनरल के लिए तो 3 इयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा। सैलरी की बात करेगा तो देख सकते हो दोस्तों 69,100 से लेके आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। सिलेक्शन मोड की बात करेगा तो दोस्तों पहले आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस आप लोग को एग्जाम देना होगा दोस्तों। उसका बाद एप्लीकेशन फीस की बात करेगा तो यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 एप्लीकेशन फीस आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से पे करना होगा दोस्तों। एससी एसटी कैटेगरी तो नील है दोस्तों, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया गया है दोस्तों। ऑनलाइन आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, से 6 फरवरी 2023 से लेके 16 फरवरी 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें प्रोसेस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों जो लोग इंटरेस्टेड है इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी 16 फरवरी पहले आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसमें 255 पोस्ट लेकिन कैटेगरी वाइज से डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी नाविक जीडी के लिए 88 पोस्ट और डीबी के लिए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 12 पोस्ट, टोटल पोस्ट 100 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस के लिए जीडी के लिए 22 है और डीबी के लिए 2 पोस्ट है और टोटल मिला के 24 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। ओबीसी के लिए दोस्तों 61 पोस्ट, जीडी के लिए और डीबी के लिए 10 पोस्ट, टोटल मिला के 71 पोस्ट। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे टोटल जीडी के लिए 22, डीबी के लिए डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 2 पोस्ट और टोटल मिला के 24 पोस्ट देखने को मिलेगा। अगर एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो जीडी के लिए 32 पोस्ट और डीबी के लिए 24 पोस्ट मिलेगा, टोटल मिलाकर 36 पोस्ट मिलेगा। इसमें टोटल देख सकते हो आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों 10+2 का क्लास 12 पास होना जरूरी है, उसका साथ साथ आप लोग का साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी है, आपका साइंस का साथ साथ आप लोग को मैथ्स एंड फिजिक्स का सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, अगर है तो नाविक जीडी के लिए आवेदन कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों सिंपल क्लास 10 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, सिंपल पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस के देख सकते हो मैंने पहले से भी बताया और दोस्तों एज लिमिट के लिए भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है बताया था दोस्तों। इसमें सैलरी भी दिया गया है दोस्तों इसमें, लेकिन नाविक डोमेस्टिक आप लोग को सैलरी की बात करेगा तो अलग अलग से आप लोग को देखने को मिलेगा। जीडी के लिए 21,700 से लेकर आप लोग को 3 लेवल का आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। अगर डीबी की बात करेगा तो वो भी 21,700 3 लेवल आप लोग को प्लस होने वाला है मिलने वाला है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा तो दोस्तों आप लोग को देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा तो दोस्तों इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, पहले आप लोग का स्टेट वन में रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद पीएफटी, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, 3 टाइप का आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। रिटर्न एग्जाम में देख सकते हो आप लोग को क्या क्या सिलेबस है दोस्तों, इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है दोस्तों, देख सकते हो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन रिटर्न एंड रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट। रिटर्न एग्जाम में आप लोग को मल्टीपल चॉइस होगा, उसका साथ साथ आप लोग को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। सिलेबस की बात करेगा तो दोस्तों ये देख सकते हो सिलेबस भी इस पे आप लोग को देखने को मिलेगा। सेक्शन वन में देख सकते हो इसमें आप लोग को टाइम देख सकते हो 60 क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क मिलेगा, इसमें टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट। उसके बाद मैथ्स जो लोग जीडी के लिए दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग को साइंस मैथ्स साइंस जनरल इंग्लिश
रीजनिंग जीके के लिए आप लोग को अलग अलग से देख सकते हो मार्क भी मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो स्टेप टू में आप लोग को प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, उठक बैठक 1.6 km रनिंग करना होगा विद इन 7 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। देख सकते हो उठक बैठक पुशअप करना होगा, हाइट भी देख सकते हो 157 cm होना जरूरी है दोस्तों, अगर नाविक डीबी के लिए देख सकते हो देख सकते हो। उसका साथ साथ दोस्तों देख सकते हो सिलेबस क्या क्या है वो आप लोग को देख सकते हो, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये आप लोग को सारी खुद ही डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो इस तरह से आप लोग को सारी आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, इससे पहले 16 फरवरी के लिए आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। दोस्तों अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें प्रोसेस भी सारी आप लोग को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इतना ही है वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक और को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में देखने को मिलते रहेगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।